हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ना, टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लाइव टेस्ट को। दोस्तों डेली लाइव टेस्ट चलता है रात के 9 बजे टॉपिक स्टडी चैनल पे, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली का टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डेली टेस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सभी परीक्षाओं के लिए। जैसे आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान, तो भारत के संविधान से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन में लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और इन 100 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए हैं, रेलवे, SSC और चाहे आपका UPSI हो, BSI हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, ठीक है। टेस्ट एंड तक देखिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि डेली का टेस्ट आप लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए दोस्तों, आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल के टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है 2019 में किस चैनल को चैंपियंस अवार्ड दिया गया, ठीक है। आपके ऑप्शन है आज तक, NDTV को, India TV को, DD News को। तो आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारतीय सांसद राज्यों के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित यानी कि बदल सकता है किस बहुमत से। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सामान्य बहुमत से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और मैं किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक टेस्ट है और टेस्ट में आपको ये देखना होता है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट को आप फटाफट लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। गाइज इसका सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब बना था दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस वर्ष भारतीय राज्यों को राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 1956 में। देखिए दोस्तों, 7th Amendment Act 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो उस समय 14 राज्य थे और 6 संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। 14 क्या थे, स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है। तो सही आंसर रहेगा बिल्कुल आंतरिक व बाह्य संप्रभुता, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये शुरुआत हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी बोर मत होना। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप बोर हो रहे हैं, तो थोड़ी देर आप वीडियो को देख करके मतलब पॉज करके रख देना, फिर थोड़ा घूम फिर के आना, आराम से वीडियो को देखना, पर पूरा एंड तक देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है भाई, बहुत अच्छे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी सरकार, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चले और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं फटाफट बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं घर पे बैठ के, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई बहन है या भाई है, कोई भी तैयारी कर सकता है घर पे बैठ के। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ से सारे ऐप डाउनलोड करते हैं वहीं से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर जाके अपना गोल सेलेक्ट करना है, जैसे रेलवे एग्जाम और कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक हो गया, SSC हो गया, UPSC हो गया, UPSI, BSI, कोई भी एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, अपना पूरा कोर्स ले सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप 6 मंथ, 12 मंथ, 3 मंथ, कोई भी मंथ का कोर्स ले सकते हैं, कि सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करके। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे होता है एंटर रेफरल कोड, वहाँ पर आपको सौरभ 11 कोड यूज़ करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी वहाँ पर फ्री में। बस आपको अगर ये कोड अप्लाई करके आप जाते हैं, सारे कोर्सेज आपको एक्सेस मिल जाएंगे, किसी भी टीचर का कोर्स है वही आपको मिल जाएगा,
और इस कोड को अप्लाई करने के बाद में अप्लाई के बटन पे भी क्लिक करना होता है, उसके बाद ये वर्क करता है और अपनी फीस का पेमेंट कर देना है। ठीक है गाइस, चले क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है। बिल्कुल सही, सांसद इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नए राज्य बनाना उनके नाम सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। तो सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आप लगा रहे हैं, सांसद इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पार्लियामेंट इसका सही आंसर रहेगा। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो सही आंसर बिल्कुल डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पार्लियामेंट सांसद इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, खालिस्तान है। बिल्कुल, राज्यों का संघ है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा, संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है। बिल्कुल, एक संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में भारत को किस रूप से दर्शाया गया है। बिल्कुल, ये तो आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। राज्य का तत्व नहीं है सेना। ठीक है ना, राज्य एक भौतिक इकाई है जो कि राजनीतिक शास्त्री के अनुसार राज्य के चार तत्व होते हैं, भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होता है, संप्रभुता होती है, बट सेना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है। बिल्कुल, उपयुक्त सभी, जैसे मैंने अभी आपको बताई दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। राज्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। तो राज्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, प्रशासन इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो क्वेश्चन आई थिंक ये आपका रिपीट हो चुका है, 1956। किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया, तो ये भी आपका 1956 में हुआ था। निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की। सहा आयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, 1975 में। बिल्कुल सही बात है। निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीव दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। तो ये कब किया गया था दोस्तों, बिल्कुल सही है, 1973 में, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 के और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अरुणाचल प्रदेश 1972 तक नेफा के नाम से जाना जाता था और 1972 से 1975 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 1986 में अनुच्छेद 239 के और अनुच्छेद 240 में संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। 1949 में। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन ए सॉरी बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आता है। यहां पे आपका प्रवेश होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 6 यानी कि अनुच्छेद 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन से वर्ग के नागरिक को जो कि निर्धारित उम्र के हैं एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है।
अप्रवासी नागरिक, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अप्रवासी भारतीय नागरिक जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो और भारत से बाहर 180 दिनों तक रह रहा हो, उसको नागरिक और राजनीतिक सभी अधिकार प्राप्त होते हैं और वह एक पंजीकृत मतदाता हो सकता है। ठीक है भाई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो ये तो आप सभी बता सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर, आर्टिकल 1। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 तरीकों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो ये तो हो चुका है भाई, क्वेश्चन दोनों है ना। तो भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? बिल्कुल इसका इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, एकजुट संघवाद, तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, आपको इनका मिलान करना है। सॉरी, तो भारतीय नागरिक का अधिग्रहण, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सही आंसर रहेगा पहले का सी, पंजीकरण द्वारा। ठीक है ना, तो पहले का सी हो जाएगा भारतीय नागरिकता का अंत। बिल्कुल ये आपका क्या रहेगा, दूसरे का ए, वंश द्वारा मूल अधिकार कानून के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण मिलता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहले का आपका हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा ए और तीसरे का हो जाएगा बी, तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा, वेरी गुड गाइज, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11, वेरी गुड गाइज, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा, सांसद। क्वेश्चन नंबर 33 है, नागरिकता प्राप्त करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो ये भी आपका सांसद ही लेती है। सॉरी, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल जन्म द्वारा की जा सकती है, अनुवांशिक द्वारा की जा सकती है ना, और आपका ये पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा नहीं की जा सकती। तो पहले तीनों सही है, यानी कि रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। देखिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है, आप सभी को पता है। तो अगर कोई भी बाहर की नागरिकता धारण करता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो जिससे हमने स्टार्ट किया था उसी पे खत्म कर रहे हैं, साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फिर दोबारा से मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। 1 है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल, वेरी गुड गाइस, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अभी एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो स्थानीय सरकारों का आधार है ऑप्शन सी लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर थ्री है, सर्वसत्ता संपन्न सांसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो भाई इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड की, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये सभी आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? वेरी गुड दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात है, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं यहाँ पे, यूएसए, यानी कि रहेगा अमेरिका राइट आंसर। नाइन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से के संविधान से ली गई है? जो इम्पीचमेंट लगता है राष्ट्रपति को हटाने का, जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट के थ्रू, महाभियोग के थ्रू, वो कहाँ से लिया गया है? वह भी हमने अमेरिका से ही लिया है। क्वेश्चन नंबर टेन है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है, की गई थी? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल देखिए, न्यायिक समीक्षा भी हमने अमेरिका से लिया है, मौलिक अधिकार भी, ठीक है, जिसको मौलिक अधिकार को जो अमेरिका के संविधान है उसमें बोला जाता है बिल्स ऑफ राइट, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना भी वहीं से लिया गया है, तो ये ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? बिल्कुल प्रस्तावना में, प्रेम्बल में, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वेरी गुड गाइज। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 15, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा, दक्षिण अफ्रीका से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? सॉरी गाइस, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अमेरिका से। 18 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद निकट है, इसका सही आंसर बिल्कुल कनाडा के, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारतीय संविधान के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रकृत सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ब्रिटेन के राजा। वेरी गुड वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। एक बार शेयर आप इस सेशन को कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो एक बार शेयर तो बनता है गाइस, एक बार शेयर कर दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? सही आंसर रहेगा केनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? वेरी गुड गाइज, इसका सही आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? अच्छा सी सही आंसर रहेगा ब्रिटेन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेस्ट मिस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? बिल्कुल ब्रिटेन में, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? M.N. राय ने, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, M.N. रॉय। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत किया सॉरी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर आप क्या लगा रहे हो भाई? वेरी गुड, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? देखिए तीन सूची होती है, राज्य सूची, एक आपका होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, केंद्र सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो ये कहाँ से ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, इसका जो है ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सी राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में वो सभी विषय आते हैं जिसपे आपका केंद्र और राज्य दोनों सरकारें लॉ बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? वेरी गुड गाइस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें एकमत एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है? बिल्कुल एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है, ऑप्शन डी फ्रांस में, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986, वेरी गुड, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, देखिए दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारत में लोकतंत्र है बट इनडायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है। चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम अपने एमपी को चुनते हैं, एमपी प्रधानमंत्री को चुनता है। ठीक है, कई बार जैसे जिसकी सरकार हम ना चाहते हुए भी बन जाती है, तो वैसे ही होता है, क्योंकि आप अपना एमपी चुनते हैं और वो सरकार उस एमपी को खरीद लेती है, या फिर एमपी उसके पास चला जाता है, जो कि हमारे देश में मेरे को बड़ा ही गंदा सा सिस्टम लगता है। आप भी अपने व्यूज़ बताइएगा, क्या आप समझते हैं इस पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था?
तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1946, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो किस योजना के द्वारा गठित किया गया था दोस्तों? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही वाह, वेरी गुड, सभी का आंसर सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की संरचना, सॉरी रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, बी एन राव। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से वन से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर, 10वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर रहेगा 4थी अनुसूची, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची के कुल कितने विषय हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, 97 संघ सूची के हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में 47 आते हैं, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे राज्य सूची की तो 66 आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे। तो शिक्षा को दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल किया है, जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? तो ये लेना था में आ जाएगा, मतलब अब तो आवश्यक नहीं होगा, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक यूटी हो गया है ये, और ये 370 हट गया है, तो इससे बहुत सारे चेंजेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बिल्कुल, ये इसका सही आंसर रहेगा, समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए इसका आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, व्यापार संघ इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये फिर से आ गया है, मैं आपको बता दूं कि बीच में मैंने ऐड कर रखा था कि प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा लेने में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 8279711646, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, किस एग्ज़ाम के लिए लेना है वो ज़रूर बता देना, ठीक है। मैं आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो प्रोसेस बता दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है? बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर, समवर्ती सूची में। 8 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? बी बिल्कुल मजदूर संघ राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, शेयर बाजार और वायदा बाजार, ठीक है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 10, इससे मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप थोड़ा सा आइडिया लगाना स्टार्ट कर देंगे कि राज्य सूची में कौन सा आता है, समवर्ती सूची में कौन सा आता है, केंद्र सूची में कौन सा आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों कौन सा? बिल्कुल कृषि इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है?
मजदूर संघ अभी तो मैंने बताया था, ये किस में आता है, किस में आता है नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वेरी गुड, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। जब भारत का संविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल थे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? बिल्कुल सेकंड में, वेरी गुड। 15 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? भाग 3 में, बहुत अच्छे। संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7वां, सूची 1 भारतीय संविधान के भाग के सूची 2 प्रावधानों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप जल्दी से आंसर बता दीजिए गाइस। बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका सही आंसर क्या रहेगा, पहले का ए रहेगा। 4th के में क्या आता है, मूल कर्तव्य आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। फिर आपका भाग 8 में क्या आता है, संघ राज्य के क्षेत्रीय तो आते हैं ना, तो ये भी सही है, इसके सामने लिखा है। 9th भाग 9th में क्या आता है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसके मतलब सामने ही लिखे हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए ही सही आंसर रहेगा, यानी कि पहले का 1, दूसरे का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? 10वीं अनुसूची में, बहुत अच्छे, वेरी गुड, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ खालिस्तान सूची का विषय है, संघ सूची का, वेरी गुड। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन खालिस्तान सूची का विषय है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये भी आपका संघ का ही रहेगा, है ना। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इस टेस्ट को आप सबसे पहले बताइए कि कितने सही किए हैं आपने इन सभी क्वेश्चन में से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। YouTube पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook, Instagram, Telegram पे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि Instagram पे आप मुझे डायरेक्टली सौरभ मलिक और Facebook पे डायरेक्ट सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। Instagram पे सौरभ मलिक 17 के है मेरी आईडी, और आप जो भी मैसेज करेंगे मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।